नाम अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ शास्त्र में देव श्री नारद जी ने बहुत सारे पापियों को भगवान का मंत्र देकर के अपने भक्त बना दिया। जैसे वाल्मीकि जी को राम नाम की दीक्षा दी थी, लेकिन वाल्मीकि जी से राम नाम भी सही से नहीं लिया जा रहा, तो नारद जी ने गुस्से में मारने का हाथ बढ़ाया। कैसा पापी, राम नाम लेना, बोल रहा हूं बोल रहा हूं, तो जिसे ऐसे कर रहे थे ना मरा, ऐसे हो गए। तो नारद जी ने कहा राम ने मरा, तो ठीक है बेटा तेरा मंत्र नहीं करे, तेरा मंत्र नहीं, तू मरा मरा होगा। और सिर पे हाथ रहा दे गुरु जी, सिर पे हाथ रहा गया और मरा 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 मरा, तो क्या आ गया राम राम राम। और ऐसे जो डूब गए तपस्या में कि उनके शरीर में दीमक दीमक की मिट्टियां चढ़ गई, तो छुप गई मिट्टी के अंदर, और वहीं से आवाज आ रही राम 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 राम। पूरे ब्रह्मांड में कहता है मंत्र, आप लोग पृथ्वी में जपोगे ना तो इसकी आवाज वहां तक जाएंगे, ब्रह्मांड को घेर कर अनंत ब्रह्मांड भगवान जी के पास से पाएंगे। इसलिए भगवान खींची चल जाते हैं, बोलो जय श्री राम। तो ऐसे वो मैं दूसरे की बात कह रहा हूं, वो भी डाकू था, मारता था, कत्ल करता था। नारद जी ने कहा ये सब चीज छोड़ लो, बोले पापी पेट का सवाल, बोले पेट को पापी तुमने बनाया है, मेहनत करो। बोले मेहनत करने वाले को लगता है थक गया, जो ईमानदार होता है ना उसको थक लेते हैं ना। तो अच्छा एक बात मानेगा, बोले हाँ, तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ यहीं बैठे मिलेगा, तू भगवान की भक्ति करेगा, नारायण का नाम जपेगा। बोले ठीक है ये भी करके देख लेता हूँ। तो गुरु मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र लेना चाहिए जहां से आपकी आस्था, और उस मंत्र को जपने लगे। तो नदी थी उस गांव में, नदी किनारे एक पेड़ के नीचे नारद जी ने उन्हें दीक्षा दी और वहीं बैठ कर के वो जपने लगे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो रस आया कि उन्हें खाने पीने की सुविधा भूल गई। वहां से एक गांव का व्यक्ति नदी पार करके जाने वाला था, तो उसने देखा कोई संत महात्मा है, शायद भक्त है, और सुबह से जप कर रहे हैं। अरे भाई हम लोग गांव वालों का भी कोई फर्ज बनता है, पहले गांव में कोई संत महात्मा भक्ति आते थे तो बिना कहे गांव वाले उनको राशन पानी देते थे, थोड़ा समाज वैसा हो गया, अतिथि सेवा से नहीं। तो गांव में तो उसने हल्ला किया, अरे अरे हमारे गांव में कोई भक्त आया है, भगवान का नाम जप रहा है, चलो दर्शन करो। सारे गांव वाले आ गए, देख लेंगे आंखें बंद किए हुए भगवान के प्रेम में डूब रहा है, क्योंकि नारद जी जैसे गुरु की दीक्षा थी जो एकदम रसीला बना देते हैं सतगुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, आलस छोड़ के पूरे मस्ती के साथ डूब जाएंगे इसमें, डूब मरो संसार में, बहुत डूब मरे आप भगवान के नाम में डूब मरो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसमें डूब मरने में वाला भी उतर जाएगा जो भगवान के नाम में डूब मरता है। जिन खोजा करो किन पाइया, गहरे पानी पैठ मैं भोरी, डूबन डरी रही किनारे पैठ। मैं भोरी थी भगवान के नाम में डूबने लगी, भगवान का नाम नहीं ले रही थी, एक आत्मा के लिए
और किनारे में बैठी थी, पता नहीं क्या होगा, साधु ना बन जाऊंगा, भगवान का विधना लग जाए, कई औरों की तरह आंखें और आंसू ना जाने लगे। तो मैंने भगवान की भक्ति से परहेज किया और मैं डरती रही भक्ति में, कहीं ऐसा ना हो मेरी हंसी ना हो मेरा पिता के, तो मीरा भी सड़कों पर नाचती थी, विरह में चहल भी पी गई, अमृत बना दिया। तो भक्ति अच्छी तो लगती है, लेकिन भक्ति करने वाला कोई हो, भक्ति सरल से सरल है और भक्ति तलवार की धार पे चलना है। जैसे आप भक्ति में चलोगे, आपको आपके घर वाले ही कौन कसेंगे, बड़ी भक्तानी बन गई इसका संकल्प लिया है। तो भक्तों के संग में भक्ति आई है, अगर पुरुष है तो पुरुष की मजाक उड़ेगी, मीरा जी की भी मीरा जी को रवानी कर दिया। एक बार मीरा जी को इतना माता जी कष्ट हुआ कि सासू कह रही भक्ति छोड़, ननद कह रही है, जेठ कह रही है, बोले तो तुम्हारी शादी के ससुराल में हो, हमारे नियम से चलो और चलो बकरे की बलि दिलवाओ। बोले हम तो वैष्णव हैं, प्याज भी नहीं खाते, हमारे घर में तो